खाना किसको नहीं पसंद, सबको पसंद, बट मेरे को कुछ ज्यादा ही पसंद है। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में अपन जा रहे हैं एक्सप्लोर करने मुंबई के टॉप 3 मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट्स। खाने के बहाने राइड भी हो जाएंगी लियो की। खाना टॉप नॉच रहेगा, राइड टॉप नॉच रहेंगी, लियो टॉप नॉच रहेंगी, एंटरटेनमेंट टॉप नॉच रहेगा। जबरदस्त व्लॉग है यारो। इस व्लॉग में तुम्हें और एक चीज इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। 1 रुपए में तुम आईफोन जीत सकते, कैसा? पूरा व्लॉग एंड तक देखना। और जबरदस्त व्लॉग है, लाइक और सब्सक्राइब दबा के मार दो यारो। चालू करते व्लॉग लियो। हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग यारो। तो आज के व्लॉग में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मेरी लियो, मेरी जान, मुंबई साइड जाने वाली यारो। एंड किस लिए जा रहे हैं? इट्स अ शॉर्ट ब्रेकफास्ट ट्रिप जिसमें अपन एक्सप्लोर करने वाले टॉप 3 मोस्ट फेमस ब्रेकफास्ट स्पॉट्स इन मुंबई। ये 3 स्पॉट के रिकमेंडेशन आप लोग ही दिए थे मेरे को इंस्टा के थ्रू। मेरा एक दोस्त है वेली, सब लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, मेरा एक दोस्त है मुंबई में रहता है, तो उन्हें भी रिकमेंड किया ये टॉप 3 स्पॉट्स हैं, उन्हें भी आने वाला है, मजा आने वाला है यार। वेदर एकदम जबरदस्त चुम्मा वेदर है। और तुम लोग अगर देख रहे होंगे अच्छे से तो यहाँ पे अपना नया क्लच हाइड्रोलिक मास्टर सिलेंडर क्लच आ गया, GT के मॉडिफिकेशंस, एवरीथिंग इज डन गाइस। सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बची है, वो है रैप। अपन रैप करने वाले GT को, तो उसमें ना पूरी कंप्लीट ब्लैक हो जाने वाली यार अपनी गाड़ी। आओ गाइस, तुमको सुबह सुबह कानों में सुकून दे दूं, लियो की आवाज सुनो बस। तो आज के ब्लॉग में मैं ये बोल रहा था, मैं बहुत कंट्रोल करूंगा खुद को गाना गाने से, देखते किस लेवल तक, किस हद तक अपन कंट्रोल कर सकते खुद को कि भाई मैं गाना ना गाऊं। बात है कैसे, अपन नए राइडिंग बूट्स ले लिए, आप लोग देख सकते हैं। बहुत लोग लास्ट वाले व्लॉग में बोल रहे थे कि भाई स्नैक्स में आप सेफ्टी सब फॉलो कर रहे हो, बट बूट्स पहन लो यारो। तो मैंने नए राइडिंग बूट्स ले लिए यारो। बहुत जल्द पैंट्स भी लूंगा। आई नो आप लोग बोलेंगे नी के लिए भी कुछ प्रोटेक्शन ले लो, बहुत जल्द पैंट्स लूंगा। जरा तुमने जरा चैनल को दबा के जरा लाइक सब्सक्राइब मारे, 2 मिलियन पहुंचा, जरा पैसे आए तो जरा नी कवर भी देना मेरी जान। By the way guys, एक इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। मेरी बहन कनाडा में रहती है यार, जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता दूं। पिछले 3 या 4 साल से ऑलमोस्ट, कितने साल हो गए क्या है कि मेरे को आइडिया नहीं आ रहा, बट 3-4 साल तो मिनिमम हो गए उसकी शक्ल देखे मेरे को। उन्हें फाइनली इंडिया आ रही है आफ्टर 3 ईयर्स, ऑलमोस्ट 3-4 ईयर्स, नेक्स्ट मंथ आ रही यार इंडिया। पता नहीं यार कई को आ रही, मतलब अभी सारी अटेंशन है ना मेरी 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 तरफ रहती थी मम्मी पापा की, अब वो शिफ्ट हो जाएंगे यार थोड़े टाइम के लिए, बट वापस जब चले जाएंगे तो घर का सबसे लाडला तुम्हारा भाई है मेरी जान। बट एक फायदा मेरा यार इसी बहाने, मैं ये बोल रहा था इन्हें आ रही तो सही, बट इसी बहाने मेरा कंटेंट बन जाएगा। 3-4 साल ऑलमोस्ट कनाडा रही यार, 3-4 साल में ना मैं इससे मैक्स टू मैक्स 10 बार बात किया हूँ। एवरी भाई बहन, एवरी ब्रदर सिस्टर कैन रिलेट दिस। उन्हें उसके काम में बिजी, मैं मेरे काम में बिजी, तो जब लड़ाई की बात आती ना, फॉर एन एग्जाम्पल उससे कोई गलती हो जाती या मेरे से कोई गलती, मेरे से स्पेशली कोई गलती हो जाती, जब मम्मी पापा मेरे को सुना रहे थे, तब जो ऐसो इसके अंदर कौन सा जोश आ जाता, कौन सी ताकत आ जाती, ऐसा क्या खा लेती इन्हें कनाडा में, इन्हें ही जाने भाई, ऐसा फुल पावर बात करने आती ना भाई। ये मम्मी मैं इसको बोली इन्हें ऐसा नहीं करना, इन्हें वैसा नहीं करना, इसको बोली मैं इतना ज्ञान देती इसको, इसके में दिमाग नहीं है, इन्हें हौला है, इन्हें वो है। अरे कब बोली रे भाई, बात ही 4 साल में 10 बार हुई। अरे तू ये व्लॉग देख रही तो लाइक और सब्सक्राइब मार दे। तो इन्हें जो आ रही यारो कनाडा से अपना कंटेंट बन जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स मीटिंग माय सिस्टर, वेरी इमोशनल मोमेंट जिसमें अंदर ही अंदर मैं हंस रहा हूँ। सामने से कंटेंट चल के आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, देखो प्यार तो मैं भी करता मेरी बहन से। अरे नहीं नहीं यार, ये सब क्यों बोल रहा हूँ, वो भी ये व्लॉग देखती आ रहा हूँ, ये सब नहीं बोलना। बाकी जब बात आई स्टैंड लेने की यार, तो ऑब्वियसली यार भाई तुम्हारा भाई खड़ा है अपनी फैमिली के लिए, मेरी बहन के लिए, मेरे मॉम के लिए, मेरे डैड के लिए यार। एंड आप लोगों के लिए भी टेंशन ना करो, यू आर ऑल्सो माई फैमिली। By the way, यारो कल एक बहुत जबरदस्त कॉन्वर्सेशन मेरा हुआ था एक सब्सक्राइबर के साथ, जिम के बाहर मेरे को मिला था। बहुत बंदा है ना थोड़ा डिप्रेस था, मेरे से बात कर रहा था, बोल रहा था कि भाई बहुत ज्यादा डिप्रेस कर रहा हूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, जो भी प्रोफेशन में घुस रहा हूँ मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, एंड बहुत ज्यादा कन्फ्यूज हूँ, 24 ईयर्स का हो गया हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही फैमिली, एंड वो लोग मेरे पे पूरा लुक आफ्टर कर रहे हैं कि भाई कुछ मैं करूँ पैसा कमाऊँ ताकि फैमिली के घर, मतलब घर में अच्छे से राशन आ जाए, समझ रहे हो। बोला कैसे ओवरकम करूँ इस सबसे, सबसे पहली बात तो वही है डिप्रेशन जो वर्ड है ना यार गाइस, जितने भी लोग आजकल है ना बहुत यंगस्टर्स है ना ये वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत लोग
बोलते कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, एक्चुअली होते नहीं है, बट उनके माइंड में एक ऐसा थॉट है कि भाई अगर मैं लो फील कर रहा हूँ, अगर मेरा काम वर्कआउट नहीं कर रहा तो मैं डिप्रेशन में हूँ। तो सबसे पहली बात यार इससे ओवरकम कैसे करना, सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है यार, कि रियलाइज करना खुद की चीज़ें कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो, कहाँ तुम्हारी मिस्टेक हो रही है, कहाँ तुम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हो, क्या करना है लाइफ में, कहाँ मेरा इंटरेस्ट है, किस चीज़ में अपना बेस्ट दे सकता हूँ। ये सब सेशंस है ना तुमको करने का भाई। बेस्ट वे टू मेंटली कनेक्ट टू योरसेल्फ एंड एक प्रॉपर सेल्फ टॉक करने के लिए सबसे बेस्ट जगह जो है ना मेरे भाई, दिल से बोल रहा हूँ यारो, जिम जाओ यारो। भले ही बहुत आलस आ रहा होगा, बहुत थकान होगी, बहुत इश्यूज होंगे, बट जिम जाओ यारो। जिम एक ऐसी चीज़ है ना जहाँ पे तुम प्रॉपर सेल्फ टॉक कर सकते हो खुद से, जहाँ पे वर्कआउट तुम कर रहे हो, खुद को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो मेंटली फिजिकली, एंड वो जगह है ना तुमको प्रिपेयर करती है यारो हर एक वे में स्ट्रांग होने यारो, हर एक वे में, हर एक कंडीशन में, कैसी भी सिचुएशन से तुम गुजर रहे होंगे जिम एक ऐसी चीज़ है जो तुमको हेल्प करती। दूसरी पॉइंट और एक तरीका इसका ये है, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, मॉम डैड के साथ, सिस्टर के साथ, ब्रदर्स के साथ, क्लोज फ्रेंड्स के साथ, बेस्ट फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो यारो कि भाई कहाँ इशू आ रहा, क्या कर रहे हो, मतलब क्या वर्कआउट नहीं कर रहा, उनके सजेशंस लो, उनसे बात करो, टाइम स्पेंड करो, खुद को डाइवर्ट करो। देखो जो मैं एक्सपीरियंस किया मैं वो बता रहा हूँ यार, मैं कोई ज्ञानी नहीं बन रहा, बट मेरे को ऐसा लगता है भाई तुम सब मेरे भाई लोग हो यार, मतलब मेरे बहुत बहुत यंगस्टर्स भी देखते मेरे को, तो मेरा बनता है यार कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं उनसे शेयर करूँ, ताकि उनको मे बी एट अ पॉइंट ऑफ देयर लाइफ उनको कभी ना कभी मेरे एक बात का जो हिट हो एंड उसको उनको हेल्प हो। 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स तक जो एज है ना यार, जो ये 6 साल है ना, ये 6 साल में ना अपने लड़कों में ना ऐसा खून रहता है ना यार, ऐसा स्पार्क रहता ना भाई कि तुम लोग कुछ भी कर सकते हो अगर तुम लोग अपना 100% बेस्ट देने पे आगे किसी चीज के लिए। ये जो 6 साल है ना यार अपनी बॉडी भी अपना साथ देती है, यंग ब्लड रहता है, एड्रेनल हाई लेवल पे रहता है, कभी थकते नहीं, अगर सोएंगे नहीं तो भी चलेंगे, बस काम करना है, पैसा कमाना है, अच्छे से फ्यूचर सेट करना है। ये 6 साल अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करोगे ना तो कभी आप अपने लाइफ में ऐसे फेस पे नहीं आओगे जहाँ पे आप 23-24 साल के हो गए और आपको पता नहीं चल रहा कि मेरे को क्या करना है, मतलब मेरी फैमिली मेरे पे डिपेंडेंट है एंड मैं अभी तक कुछ करना चालू ही नहीं किया, मैं स्टेबल नहीं हुआ हूँ, ये फेज में मत आओ रे। वो जो 18 ईयर्स से 24 ईयर्स का जो गैप है ना 6 साल का, उसको यूटिलाइज करो रे मेरी जान, उसको जितना बेस्ट दे सकते हो ना दो यार, आगे जाके लाइफ में एंजॉयमेंट हो जाएगी, आगे जाके पार्टीज हो जाएगी, सारे शौक पूरे हो जाएंगे, बट ये जो 6 साल होते ना यार उसको है ना अच्छे से है ना पूरा प्रॉपर यूज करने का यार। ब्रेकफास्ट का जो सबसे फेमस है यार मुंबई में राम आचार्य बोल के जगह है यार, यहाँ की इतने ज़्यादा रिकमेंडेशन आया ना मेरे को आप लोगों की तरफ से, आप लोग सब बोले कि भाई यहाँ पे पोड़ी इडली खाओ, पोड़ी इडली और पाइनएप्पल शेरा, जो खुशबू आ रही ना भाई एकदम सामने है मेरे, गरम गरम इडली, पोड़ी इडली, सिंगल पीस इडली है, कारम पोड़ी डाल के एक ही है, ये पोड़ी डोसा भी आ गया अपना ज़बरदस्त, लाओ अन्ना, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कितने साल से वैसे? और ये अम्मा का साथ 80 साल हो गए, वैसे मैं हैदराबाद से हूँ, पहली बार आया हूँ खाने, देखेंगे कैसा है, फेमस है ना, सबसे फेमस है ना, एंड में लेते हो 80 साल से कहते यार यहाँ पे पोड़ी इडली, इसमें जो है सो इडली है सिंगल पीस, कारम पोड़ी डाले सो, घी डाले सो, सांभर चटनी के साथ एकदम खीरा, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है आज। सबसे पहला बाइट बहुत ज़्यादा फेमस है, देखते इज इट वर्थ हाइप, एकदम सॉफ्ट इडली यार, बहुत सॉफ्ट है यार, पाउडर मस्त है हम पर डाले सो, कड़क है भाई, कड़क है आइटम, एकदम बवाल है, अलग है, अलग भाई, जेन्यूनली बोल रहा हूँ, हैदराबाद में तुम जहाँ जहाँ से इडली इमेजिन भी नहीं करे ना वहाँ वहाँ से मैं खाए से हूँ, मैं साउथ से हूँ, ऐसी इडली नहीं खाया रे भाई मैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बटर का क्वालिटी, कारम पोड़ी का क्वालिटी, चटनी सांभर का क्वालिटी 10/10, दो बाइट में बोल दे रहा हूँ 10/10, जैसे मुंह में दारू ना मेल्ट होता है।
लेजिट मेल्ट हो जाना, बहुत सॉफ्ट इडली है, बहुत अच्छी इडली है। फर्स्ट बाइट डोसे का अच्छा है, इडली 10/10, डोसा हल्के में नहीं, डोसा जो है सो डिसेंट है यार, अगर रेटिंग देना चाहे तो 7/10 दे सकते हैं, इससे अच्छे अच्छे डोसे खाए सो मैं, बट इडली 10/10 है यार, कुछ भी बोलो। यहाँ की सबसे फेमस आइटम पाइनएप्पल शरा वो एंड में खाएंगे, जब तक इन्जॉय करने दो। तो ये जो आइटम देख रहे पब्लिक, ये है अपना पाइनएप्पल शरा, जिसका मेरे को इतना स्पैम हुआ ना मेरे डीएम में इंस्टा पे कि भाई ये तो खा के रहना, ऐसी क्या खासियत है यहाँ पे खा के देखती है, शीरे की पाइनएप्पल शरा लियो। ज़्यादा पाइनएप्पल का ही टेस्ट, शीरा है, दाल का शीरा क्या है और अलग अलग टाइप के शीरे का जो अपने मम्मी लोग बनाते ना घर पे, ऐसा कभी नहीं खाया, पाइनएप्पल फ्लेवर का टेस्टी है, गरम गरम है और ज़बरदस्त है, ज़्यादा मीठा भी नहीं है। 9/10, 9 out of 10 तो दूंगा मिनिमम, अच्छा है यार, डोसा पसंद है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारा एक ज़बरदस्त चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ यार, तुम ना जीत सकते iPhone 15 ₹1 में, सही सुने, ₹1 में iPhone 15, आप ये कैसा जीत सकते हैं मैं तुम्हारा बताता हूँ। इसमें तुम्हारा काम आएगा तुम्हारा क्रिकेट का क्रेज, IPL चालू हो रहा सबको मालूम 22 तारीख से, सबसे पहला मैच है RCB और CSK का, उसके लिए तुम्हारा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे लिंक से तुम्हारा My11Circle ऐप डाउनलोड करना है, खुद की टीम बनाना है और My11Circle ऐप ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है IPL का। तो यार टीम बनाने के लिए आपको दोनों टीम से 11 बेस्ट प्लेयर्स सेलेक्ट करने हैं और उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, आपके जितने ज्यादा पॉइंट्स होंगे उतने ही बड़े प्राइजेस आपको मिलेंगे। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो इस ऐप के एक्सपर्ट टीम सेक्शन से टीम कॉपी कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, ये जो गिव अवे कॉन्टेस्ट है iPhone 15 ₹1 में, ये सिर्फ 22 तारीख के मैच के लिए और ये सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, जो लोग जो लिंक दिया मैं डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड करके टीम बनाएंगे उन लोगों के लिए ही है ये। एक चीज, तुम ना IPL के हर एक मैच में ये मेगा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके तुम ना जीत सकते यार, फर्स्ट प्राइज 1 crore है, इससे खतरनाक बड़े बड़े प्राइजेस है। और पहले के जो 5 मैचेस है IPL के उसमें जो टॉप 10 प्लेयर्स रहेंगे उनको हर दिन थार मिलेंगी, महिंद्रा थार। किचन में जाओ जल्दी से, वहां से लिंक से डाउनलोड करो और आप लोग मेरा कोड यूज करना मत भूलना snacks20, आप लोगों को इंस्टेंट डिपॉजिट पे 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, लियो। क्या कर रहे हैं यार, मैं तो अपनी टीम बनाना चालू कर दिया My11Circle पे, तुम लोग भी जाओ फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक है डाउनलोड करो वहां से और अपनी टीम बनाना चालू करो। iPhone 15 ₹1 में मिल रहा, 1 crore का प्राइस मिल रहा, SUV गाड़ी मिल रही और खतरनाक प्राइजेस और है यार, इस गिव अवे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो एंड मेरा कोड यूज करना मत भूलना snacks20, जिसमें आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे इंस्टेंट 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा। तो लियो यार, बैक टू द वीडियो। तो पब्लिक, वी आर गोइंग ऑन अवर सेकेंड स्पॉट जो कि है मद्रास कैफे, यहाँ से 1 या 2 मिनट दूर है, एकदम वॉकेबल डिस्टेंस पे, गाड़ी वहीं पे लगाएंगे। अच्छा खाना था यारो, इडली बहुत ज़बरदस्त थी, पाइनएप्पल शरा भी मज़ा आया। अभी जाके सीधा यहाँ की फिल्टर कॉफ़ी पियेंगे जो कि बहुत फेमस है कहते। अगे यार अपन मद्रास कैफे, यहाँ पे जो है सो कॉफ़ी बहुत फेमस है कहते। अब मैं यहाँ पे आया हूँ जॉन इब्राहिम भाई को मिलने, भाई ने इधर मूवी बनाई थी तो क्या पता हम लोगों को जॉन इब्राहिम भाई मिल जाए। 1940 से लेके अभी तक ये है 84 years, हम दोनों को मिला के, हम तीनों को मिला के भी बड़े हम सर। और एस्थेटिक्स देखो रेस्टोरेंट, एक चीज बहुत ज्यादा फेमस है क्या? हर साल, ठीक है, हर साल इनका जो एनिवर्सरी बेसिकली जो डेट पे बना था, हाँ डेट में एग्जैक्ट पता नहीं है, बट वो डेट पे ना पूरे साल में हर साल में एक बार आता कॉफी फ्री नहीं जो फर्स्ट डे पे लॉन्च पे जब रेस्टोरेंट खुला था, हाँ। वो दिन की जो प्राइसिंग थी आज से 90 साल पहले, तो सेम प्राइसिंग पे कॉफी देते मिलते, पूरा रेस्टोरेंट का मेन्यू कोई भी मांगा आइटम, जो आइटम, तो डोसा 1 रुपए का, समझ रहे हैं, आवाज कर रहे हो हर साल, और भीड़ देखो पता है मेरे को याद है, तो आज क्यों लेके आया हमको, उसी दिन लेके आता। ये जो तुम देख रहे हैं बहुत ओल्ड एस्थेटिक और बहुत पुराना जो है सो बनाए सो कैफे, जैसे कि मेरी हाइट जैसा अभी तुम देख सकते हैं 6 feet है यार, इधर 40 में बेसिकली 6 feet के लोग गए थे पुराने, 1940 पुराना है ना, 1940 में 6 feet के लोग ही थे, ये होंगे ना, नहीं थे, भाई का कहना है कि 1940 में 6 feet के लोग नहीं थे, तो ऐसा हमारे को 2000 के पैदाइशी जो भी है जेंजी बोल लेंगे ना, कुछ 2000 की पैदाइशी में 6 feet वाले लोग हैं तो थोड़ा उनके हिसाब से थोड़ा करना चाहिए, बट कोई नहीं, हम एडजस्ट करते हैं, अच्छे लोग हम एडजस्ट करते हैं, तो वेट करते कॉफ़ी का। क्या बात है भाई, जॉन इब्राहिम से कम नहीं है, क्या बात है, स्माइल तो देखो, खतरनाक मसला है रे, कॉफी की जो खुशबू आ रही है ना भाई,
स्ट्रॉन्ग है कॉफी का टेस्ट है, ये प्रॉपर कॉफी है, लेजिट बोल रहा हूँ, प्रॉपर कॉफी आ रहा हूँ, फील आ रहा कॉफी का है भाई, है स्ट्रॉन्ग है, ये होती है कॉफी मेरे भाई, ज्यादा शक्कर भी नहीं है कॉफी, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा फ्लेवर है, जबरदस्त मजा आ गया। क्या बात है, मुंबई में लियो का स्वागत है, सब सही जबरदस्त है, अंकल को गाड़ी पसंद आ गई, डम डन है भाई, अंकल ने अप्रूवल दे दिया, लियो अच्छी दिख रही तो अंकल के लिए रैप बनता है। हाँ लास्ट टाइम वहाँ पे खाया था वो बहुत जबरदस्त था यार, बट अपन जाएंगे अभी सचिन सर जहाँ खाते ना, द लेजेंडरी स्पॉट अशोक वड़ा पाव, अभी जो तुम ये नजारा देखने वाले, ओ भाई साहब, अरे भाई एकदम कड़क मेरी जान, पानी से है ना गाइस मेरे को बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे को स्विमिंग नहीं आती, इसी रीजन से मेरे को पानी से डर लगता है, बट पानी दिखने में बहुत सुंदर होता है, बट होता भी बहुत डेंजर है यार, मुंबई है बे, मतलब पैसा है भाई इधर। गाइस ये देखो अंबानी सर का एंटीला, ओ बाप रे भाई, भाई क्या दिखता है यार, बाप रे बाप, अरे भाई साहब, भाई जौली डेंजर है भाई, डेंजर है भाई, खतरनाक है रे भाई, अरे बाप रे, उसके ऊपर सोलर पैनल देखो ना, घर पे विराट कोहली का घर दिखेगा, कहाँ पे पता, हे भाई कोहली भाई का घर बताने वाला है, क्या बात कर रहा है वे? भाई बिल्डिंग देखो वहाँ की गिरगिरी भाई, क्या है वे 40-40 फ्लोर की बिल्डिंग ऐसे ही बना देते भाई, ये जो बिल्डिंग है ना, हाँ उसके एग्जैक्ट पीछे विराट कोहली का, क्या बात कर रहे हैं, किसी दिन अपन भी है ना गाइस, एक दिन जरूर ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में ना एक अपना भी घर होगा भाई, और मुंबई में वो भी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, सेंटर ऑफ द सिटी मुंबई में अपना भी एक घर रहेगा, अपना भी एक फ्लैट रहेगा यार, पक्की बात बोल रहा हूँ, मैनिफेस्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, पक्का आगे जाके लेंगे यार, क्या भी प्राइस रहने दो, यहाँ के प्राइजेस मेरे को मालूम है महंगे रहते बहुत डेंजर, मुंबई के अलग लेवल प्राइजेस रहते, 20-20 करोड़ 30-30 करोड़ के फ्लैट वगैरह रहते, 10-20-30 करोड़ तो मिनिमम ऐसी जगहों पे, ऐसे बड़े बड़े फ्लैट हैं, ऐसे बड़े बड़े इसमें तो रहते ही यार, ऐसे एरियों में स्पेशली, किसी दिन अपना रहेगा भाई 100%, आप लोग ऐसे प्यार दिखाते रहो, सपोर्ट करते रहो, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो चैनल को, शुरुआत है यार, शुरुआत है, कोहली भाई वो दो टावर में से एक में, क्या प्राइस रहेगा रे वहाँ का अंदाजा, 40 करोड़ एक फ्लैट का, बाप रे बाप, सारे सेलिब्रिटीज रहते होंगे, सब सेलिब्रिटीज वो भी तो रहते हैं, उनके बाजू नेबर वो है ना कटरीना कैफ और विकी कौशल, पृथ्वी रहता है, पृथ्वी शो, उसका फ्लैट है खुद का, डेंजर भाई, क्या बात है यार, देख रहे गाइस मुंबई के फ्लैटों के प्राइस सुन रहे क्या तुम, 40-40 करोड़ रुपए, बाय द वे 2 मिलियन करो जल्दी, 2 मिलियन पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना आप सबको, अरे बाप रे ये रहा यार अशोक वड़ा पाओ, भाई जोली डेंजर है वे, लाइन देखो वहां की गिरगिरी, कॉलेज है रे इधर, अपन आगे अशोक वड़ा पाओ द लास्ट स्पॉट यारो, और ऐसी गर्मी है ना, मेरा चेहरा देख ले रहे भाई, चेहरा देख लो भैया मेरा, और ये अपने जितने सब्सक्राइबर, क्या बात है, बाप रे बाप,
तो वड़ा कैसा है वड़ा पाव इधर का? एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर। कौन सा है कोई बोलो ना, नॉर्मल वड़ा पाव ना? चूरा, चूरा क्या रहता है चूरा उसमें? इसका चूरा, इसका वड़ा पाव का चूरा रहता है कहते, वो खाने का कहते यार खाएंगे। और गर्मी क्या है, मैं ये क्या मैं आया इसके लिए गर्मी बढ़ गई क्या? पब्लिक अशोक वड़ा पाव इतना फेमस है, तुम बस लाइन देखो मेरे भाई, तुम बस लाइन देखो भाई। क्यों फेमस है वो चूरा वड़ा पाव के लिए फेमस है कहते हैं पागल सचिन तेंदुलकर। हाँ सचिन सर भी इधर खाते थे यारो, और लाइन देखो बाप रे बाप। चुरचुर है नहीं, वड़ा पाव है, तीन दाल के दो। सचिन सर कब आएंगे बताना, हम भी आएंगे। ये रहे सचिन सर वड़ा पाव खाते हैं, और इतना जबरदस्त यूएस सीलिंग का लास्ट ब्रेकफास्ट स्पॉट, 12 बज गए ऑलमोस्ट, एंड वड़ा पाव ऐसी चीज है जो मुंबई का हर एक बंदा खाता है। सबसे लोकल, सबसे क्विक फास्ट ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं, इवनिंग स्नैक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ये वड़ा पाव अशोक वड़ा पाव का है, इतनी जबरदस्त लाइन थी, आप देखेंगे वर्थ था लाइन के हिसाब से भाई। इसके पहले मेरे को मेरा सबसे फेवरेट वड़ा पाव था अंबर वड़ा पाव बोल के CST के सामने, काश्मी के साथ खाया था मैंने, उसके बाद वैसा वड़ा पाव कभी नहीं खाया। बट ये जो इसका स्पाइसीनेस है, जो चटनी है, जो आलू का वड़ा है, ज़्यादा ऑयली नहीं है, ऑयल अच्छा है एकदम, बोले तो किराक है मेरी जान। बेस्ट ब्रेकफास्ट, क्विक ब्रेकफास्ट, मुंबई स्पेशल वड़ा पाव लियो, मस्ट ट्राई यार। जितने भी मैं चीज़ें आपको आज दिखाया, पोड़ी इडली स्पेशली ट्राई करना, फिल्टर कॉफ़ी वो ट्राई करना, ये वड़ा पाव, ये तीन चीज़ अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर अभी तक ट्राई नहीं करते तो डेफिनेटली ट्राई करो। मुंबई विजिट कर रहे हो तो ये तीन चीज़ पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत बेस्ट है, मज़ा आ गया। पूरा का पूरा कॉलेज अपनी गाड़ी निकलने का वेट कर रहा है यार, GT के फैंस तो है। कौन सा कॉलेज है? कृति। मस्त था यार वड़ा पाव, अच्छा था, जेन्युइनली अच्छा था। एक और चीज बोलना था, आप है ना ऐसे ही सक्सेड करते रहो। शुक्रिया मेरे भाई, सपना पूरा, मैं आपने इतना मेरे को बोला, मैं भूलने भूल गया। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया। रैप करना है तुमको? नहीं नहीं, मन कर रहा है कर लो। चलो मिलते, थैंक यू। आपको सक्सेसफुल होता देखना चाहिए। अरे आप भी होंगे मेरे भाई, फील आता है आपके जैसा। अरे एकदम शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में, लेकिन वो दिखता नहीं है चेहरे पे भले। आई होप मेरे भाई सब कुछ सॉर्ट हो जाए। देखता हूँ जब भी आपका कहानी का, मैं बहुत बार बार आपके फैक्ट्री वाले वीडियो फोटो देखता। अरे आई होप आपका सब कुछ सही हो जाए, एंड आप भी सक्सीड करो लाइफ में, अपना और सक्सीड करो। डेफिनेटली एक स्पोर्ट्स कार में देखने का आपको, 2 साल में पक्का, जल्द से जल्द। डन, थैंक यू मेरे भाई। So this was the last spot यारो। अरे अभी तो लाइन ही खत्म हो गई यार, हम जब आए थे तो मस्त लाइन थी भाई, कसम मैं नेक्स्ट टाइम कभी मुंबई की गर्मी में ट्रिप पे नहीं कर रहा भाई। मतलब जब भी मुंबई की साइड जाना है, कभी भी जाना है, रात का टाइम प्रिफर करूँगा, या तो सुबह 10 बजे के पहले पहले घर पहुँचने लायक कोई ट्रिप मारूँगा। फाइनली फ्रेशअप हो गया यारो, शावर ले लिया, बैठ गया सुकून से, खाना वाना खा के रेस्ट लेके, भाई वांदे लग गए थे, बैगन में मिल गया था मैं रिटर्न में। इतनी भयंकर गर्मी, गाड़ी जो हीट हुई गर्मी में, जैकेट, परेशान हो गया यारो, सर खुजला रहा बैगन, बट वर्थ इट था भाई। वो तीनों आइटम जो मैं ट्राई करा ना, जो मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, आप लोग भी ट्राई कर यारो, पोड़ी इडली, फिल्टर कॉफ़ी और वड़ा पाव यारो, मज़ा आ गया यार। पब्लिक ऐसा ब्रेकफास्ट रन पे जाने में मेरे को अलग से मज़ा आता है, क्योंकि बोल तो बहुत फूडी हूँ यार, मैं बहुत फूडी इंसान हूँ, मेरे को खाना खाना बहुत पसंद यार, एंड ऐसा ब्रेकफास्ट रन पे खुद की गाड़ी पे जाना तो अलग ही मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया मैं, उसको चेकआउट करना मत भूलना, My11 Circle आप डाउनलोड करो और जीतो यार जबरदस्त प्राइजेस। तो मैं मिलता हूँ पब्लिक आप सबसे अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग का सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब मारो, 2 मिलियन के बहुत करीब है। लियो पब्लिक, पीस आउट।